हिम्मत। ओ निमो बिनो, चलो तुम दोनों को स्कूल छोड़ देता हूँ, उधर ही जा रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं भाई, हम चले जाएंगे। हाँ? चल चल। क्या दीदी, 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाते? हाँ, और 5 मिनट में पूरे स्कूल को भी पता चल जाता। क्या? अरे कि अपना भाई, रहने दे। लिखिया जेब कर्म विदाता। और नमिता, जब कमले सर को पता चला कि भैया डॉक्टर है तो उनकी तो बोलती बंद हो गई। बेटा जी, बेटा जी करने लगे। सहेली हर रीत तन्ने निभाई रे भैया, घणी बावड़ी हूं। चलो चलो सेल्फी लेते हैं इसमें। समझी ना तन्ने भाई रे, समझी ना तन्ने भाई रे। हाँ मौसी, तो अगले हफ्ते आ जाओ ना, निमो का बर्थडे भी आ रहा है, इसी बहाने मिल लेंगे। हे गरम गरम है, पी लेना। और बताओ घर पे बाकी सब ठीक? हाँ हाँ, इधर सब ठीक है। अच्छा सुन, गाड़ी में ऑयल टाइम पर डलवा लेना, इंजन सुरक्षित रहता है, समझ गया? ठीक। अरे निम्मो आ गई तू? अच्छा सुनो सुनो सुनो, जैसी आएगी ना सब एक साथ गाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday dear Nimmo, happy birthday. क्यों पड़े रहे तू मेरे पीछे? दीदी खाना? भूख नहीं है। दीदी एक बात कहूं, माना के अपने भैया दूसरों के भाइयों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, लेकिन अगर वो लॉकडाउन में लोगों के जरूरत का सामान, वैक्सीन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते तो दुनिया भर के भाइयों के काम रुक जाते। हसुआ गल्या ना बेरा लाग्या, कद नींद का सुते आई रे। नाराज मत हो यार निम्मो, चल इस राखी जो चाहे मांग ले। पक्का? हाँ। इस बार बस माफी दे दो भाई। आगे लेके कद नींद का सुती। अरे मैं भी तो हूँ। कहाँ ले जा रही हो? आप चलिए तो सही। समझी ना तने भाई रे। इस राखी वैक्सीन करेगी मेरे भाई की रक्षा, जैसे गल्फ सुपर फ्लीट टर्बो प्लस करता है उसके ट्रक के इंजन की सुरक्षा।